भागवत जी जिस फल को या जिस औषधि को सबसे ज्यादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चूर्ण है। भागवत जी का ये कहना है कि पृथ्वी पर अगर कोई अमृत चीज है, अमृत तत्व है, तो वो ये त्रिफला है। त्रिफला में तीन फल है, आंवला है, बहेड़ा है, हरडे है। लेकिन जो महत्व की बात आपको समझने की है वो ये कि हर, बहेड़ा, आंवला, इसको हमेशा 1, 2, 3 के अनुपात में ही उपयोग करें। भागवत जी ने त्रिफला उपयोग करने के लिए बोला है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक महत्व की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उपयोग ना करें, या तो इसमें गुड़ मिलाएं या तो इसमें शहद मिलाएं। अकेला उपयोग करना हो तो ज्यादा दिन ना करें, नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी। ज्यादा दिन से मतलब 3 महीने के आगे ना करें। तो मैंने जो बताया, रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूध के साथ लें, पानी के साथ त्रिफला लेना माने अकेला त्रिफला लेना ऐसा माना जाता है। दूध के साथ अकेला नहीं है, गुड़ के साथ अकेला नहीं है और शहद के साथ अकेला नहीं है। त्रिफला में तीनों के बारे में मैंने कल थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। ऐसे ही भागवत जी कहते हैं त्रिफला जैसी ही एक वस्तु है, त्रिकटु है। फिर ऐसे कर करके उन्होंने पूरी एक सूची बताई है। अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ रहा है मेरे पास और मुझे आगे की कुछ बातें जो छूटी हुई हैं वो बतानी है। त्रिफला जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में मैंने कल कहा था, जीरे के बारे में कहा था आपको, थोड़ा हींग के बारे में कहा था, अजवाइन के बारे में कहा था। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना, लेकिन बोलना जरूरी है। वो है मेथी का दाना। भागवत जी कहते हैं कि अपने रसोई में आंवला, हरडे, बहेड़ा, इन तीनों के बाद कोई अच्छी चीज है तो अजवाइन, फिर उसके बाद बोला तो जीरा, फिर उसके बाद बोला तो हींग, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मेथी का दाना। इस मेथी के दाने के बारे में, इसकी जो विशेषता है मेथी की, ये वात नाशक है और कफ नाशक है। वात और कफ दो बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति इस मेथी में है। मेथी पित्त को बढ़ाती है, वात को कम करेगी, कफ को कम करेगी, पित्त को बढ़ाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेथी उपयोग अगर आप करते हैं तो वात की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से और कफ की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से। पित्त की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि मेथी पित्त को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को पित्त की बीमारी पहले से है उनके लिए विनती है कि वो मेथी का उपयोग ना करें। जिनको पित्त की बीमारी पहले से है वो मेथी का उपयोग ना करें। पित्त की बीमारी आप समझते हैं, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, मुंह में पानी आना, खाने का हजम नहीं होना, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी खाने का टेस्ट मुंह में रहना, डकारें आना वगैरह वगैरह, हिचकी आना, ये ज्यादातर पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां। तो मेथी के लिए भागवत जी कहते हैं कि पित्त के रोगी छोड़कर वात और कफ के रोगी इसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। अब वात की बीमारियां अगर आपकी हैं, घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, जोड़ों का दर्द, मेथी का उपयोग जरूर करें, जरूर करें। अब आप पूछेंगे जी मेथी का उपयोग करने का तरीका, तरीका बहुत सरल बताया भागवत जी ने कि रात को 1 गिलास गुनगुने पानी में या गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें, रात भर उसको रखें, सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाने का महत्व बहुत है। कई लोग मेथी की फंकी लेते हैं, पिसा हुआ मेथी होता है ना, उसकी फंकी लेते हैं, लेकिन फंकी का महत्व इतना नहीं है जितना चबाकर खाए हुए मेथी का है। क्यों? कारण उसका यह है कि जैसे ही मेथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है, क्योंकि मेथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है, कषाय स्वाद है उसका। तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी, और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए मेथी दाने को चबाकर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। तो आप मेथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें, रसोई में रखें, उसका उपयोग करें।